नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉलीवुड फेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के बारे में, जो कि वर्ष 2000 में रिलीज हुई थी। इसकी स्टोरी, बजट, स्टारकास्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस मूवी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानी के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। फाइनल डेस्टिनेशन का पहला पार्ट 17 मार्च 2000 में यूनाइटेड स्टेट में, जबकि इंडिया में इस मूवी को 22 सितंबर 2000 को रिलीज किया गया था और यह एक हॉरर कम साइंस फिक्शन मूवी थी। स्टोरी दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है पेरिस घूमने के लिए। स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ एयरलाइंस से फ्लाइट 180 में सवार होते हैं, लेकिन टेक ऑफ से पहले ही एलेक्स नाम के लड़के को अनुमान हो जाता है कि यह फ़्लाइट क्रैश हो जाएगी और सब मारे जाएंगे, जिस कारण वह घबरा कर अपने कुछ दोस्तों के साथ फ़्लाइट से उतर जाता है और फ्लाइट उड़ने के साथ ही क्रैश हो जाती है। इस सब के बाद जो स्टूडेंट फ्लाइट से उतर जाते हैं वो सब एक एक कर मरने लगते हैं और फिर ज़िंदगी और मौत के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है। स्टारकास्ट इस मूवी में ड्वेन सावा, एली लार्डर, टॉनी टोड और क्रिस्टीन क्लोक आदि मुख्य भूमिका में थे। इस मूवी को जेम्स वॉन्ग ने डायरेक्ट किया था, जबकि वॉरेन, क्रेग पेरी और ग्लेन मॉर्गन ने प्रोड्यूस किया था। इस मूवी की स्टोरी को जेफ फ्रिडिक, जेम्स वॉन्ग और ग्लेन मॉर्गन ने लिखा था, जबकि इस मूवी का म्यूजिक ब्रायन टेलर ने दिया था। 1 घंटे 38 मिनट की इस मूवी को 2587 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। अगर फिल्म के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट तकरीबन 170 करोड़ रुपए रखा गया था और इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड में तकरीबन 74 करोड़ रुपए की कमाई की थी। यूनाइटेड स्टेट में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुल 390 करोड़ था, जबकि इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 829 करोड़ रुपए का था और यह एक सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। अगर बात करें इस मूवी की रेटिंग की तो इसे इंडिया में IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की कुछ रियल और अनसुनी बातों के बारे में, जैसे कि नंबर एक, इस मूवी की कहानी रियल लाइफ बेस्ड कुछ कहानियों पर आधारित थी। नंबर दो, फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की कुल 5 फिल्मों में अगर देखा जाए तो एक जैसी ही कहानियाँ हैं, लेकिन फिर भी ये 5 की 5 मूवी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है, जिस कारण से पांचों मूवी किसी के भी दिमाग पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़कर जाती हैं। नंबर तीन दोस्तों, अमेरिकन चैनल फॉक्स टीवी पर 1993 से 2002 तक एक एक्शन फिक्शन ड्रामा शो टेलीकास्ट किया जाता था, जिसका नाम था द एक्स फाइल्स। उस शो के लिए ही इस स्टोरी को जेफ ने लिखा था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल बात ना बन पाने के कारण अंत में इस स्टोरी को कुछ सुधारों के साथ फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के लिए तैयार किया गया। नंबर चार, इस मूवी का टाइटल पहले फ्लाइट 180 रखा जाने वाला था, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को लगा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इस मूवी के नाम से ही दर्शक मूवी की स्टोरी को समझ जाएंगे कि मूवी में एयरलाइन से संबंधित रिलेटेड कोई कहानी होगी, और फिर कई टाइटल को डिनाई करने के बाद इस मूवी के लिए आखिर में फाइनल डेस्टिनेशन टाइटल रखा गया। नंबर पाँच, इस मूवी के लीड कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद ड्वेन सावा और एली लार्डर नहीं थे, बल्कि वो इस मूवी में टोबी विंसेंट और क्रिस्टीन कैरोलिन को लेना चाहते थे, जिन्हें हमने 2002 में स्पाइडरमैन मूवी में लीड कैरेक्टर निभाते हुए देखा था। तो दोस्तों, इस मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मूवी के अगले पार्ट्स का भी वीडियो बनाऊं तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।